तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूं आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको जो अपना अलाइट मोशन ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है। और गाइज, आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दो प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लेना है, एक है सेक इफेक्ट और एक है बीट मार्क प्रोजेक्ट। तो आप दोनों ही प्रोजेक्ट को इजिली डाउनलोड कर लेना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज, अब आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको जो अपना बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। इसको गाइज जैसे ओपन करोगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिख जाएगा। और गाइज, यहाँ पर जो हम फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कौन सा फॉन्ट है। तो गाइज, ये जो फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है गो बोल्ड करके, ठीक है, जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर बोल्ड करके कुछ इस तरह से है गो बोल्ड। आप इसको जो है इजिली डाउनलोड कर लेना, सबसे पहले आप इस फॉन्ट को डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर लेना, ठीक है, लाइट मोशन में। तो गाइज, आपको इजिली पता ही होगा किस तरह से यहाँ पर ऐड करना है, तो आप ऐड कर लेना इस फॉन्ट को, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक सब जगह यहाँ पर कुछ इस तरह से फॉन्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, अब आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट यहाँ आ जाना है, जैसे देख सकते हो डबल बीट मार्क आता है, ठीक है, यहाँ पर आना और यहाँ से डबल क्लिक करना है। तो यहाँ से जो है डबल क्लिक करोगे तो आपका जो ये एक बीट आता है यहाँ पर ये, और उसके बाद आगे वाले बीट पे आप आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आने के बाद आपको क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। और गाइस, यहाँ से क्या करना है कि आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपका इमेज रहेगा आप उसको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, इस आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है, और यहाँ नेक्स्ट बीट पे आके इसको ट्रिम कर देना है। तो गाइस, आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको अपने फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है गाइस। यहाँ पर अपने फोटो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, फिर नेक्स्ट बीट पे आके यहाँ से ट्रिम कर देना। तो इसी तरह से गाइस, आपको फिर आगे भी जितना इमेज रहेगा आप इस तरह से एक एक करके ऐड कर लेना, ठीक है, यहाँ पर बीट पे आके ट्रिम कर लेना। तो यहाँ से इस तरह से आपको सिंपली इमेजेस को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना, फिर नेक्स्ट बीट पे आके यहाँ से ट्रिम कर देना। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप इस तरह से नॉर्मली अपने सारे इमेजेस को यहाँ पर पूरा एंड तक आप यहाँ पर इजीली ऐड कर लेना, ठीक है। सो फाइनली गाइस, आप यहाँ देख सकते हो कि हमने यहाँ पर पूरा इमेजेस को ऐड कर लिया, ठीक है। तो आपको भी कुछ इस तरह से अपने इमेजेस को पूरा एंड तक ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से बैक आना है, ठीक है, और यहाँ से आपको जाना है अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे। और यहाँ से क्या करना है गाइस, आपको जो फर्स्ट इमेज रहेगा इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको फिर से बैक आना है, फिर से आपको अपने बीट मार्क प्रोजेक्ट पे चल जाना है, ठीक है। बीट मार्क प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट इमेज की तरफ आना है जहाँ से आपका फर्स्ट इमेज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गाइस, आपको यहाँ आ जाना है जहाँ से आपका फर्स्ट इमेज स्टार्ट होता है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद आपको एक इमेज को छोड़ देना है, फिर यहाँ पर एक इमेज में यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरह से गाइस, यहाँ पर आपको इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो ईजिली आप जो इस तरह से पेस्ट कर लेना, यहाँ पर वन बाय वन करके आपको यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पर छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना भी डबल बीट मार्क दिख रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर सब जगह पेस्ट कर लेना है इस इफेक्ट को, ठीक है। यहाँ पर जितना भी आपका रहेगा ये डबल बीट मार्क आपको ऊपर में शो हो जाएगा, उसके अंदर जितने भी इमेज है आपको यहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सब में इस इफेक्ट को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से गाइस, आपको यहाँ पर इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। उसका जो आपका आगे वाला इमेज रहेगा ना गाइस, यहाँ पर भी आपको इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है, ठीक है।
पेस्ट करने के बाद आपको फिर आगे वाला इमेज को छोड़ देना है, फिर यहाँ से इस इफेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, फिर आपको अगला इमेज छोड़ देना है, फिर यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से गाइस, आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं तो आपका एडिटिंग थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ तो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, एक एक करके यहाँ पर इमेज में इफेक्ट को पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इसलिए फिर आपको आना लास्ट इमेज में और यहाँ पर भी इस इफेक्ट को सिंपली पेस्ट कर लेना है। तो गाइस पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि फिर से बैक आ जाना है और यहाँ से फिर से आपको सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से आपको आना है सेकेंड इमेज पे, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी पे कर देना। कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको फिर से बैक आना है, फिर से आपको बीटमार्क प्रोजेक्ट पे जाना है और आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट इमेज की तरफ आ जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था इफेक्ट को ऐड करना। तो देख सकते हैं हमारा ये जो इमेज आता है यहाँ से, उसके बाद आपको अगली इमेज पे आना है, यहाँ पर जहाँ पर आपने इफेक्ट को छोड़ दिया था ऐड करना, जहाँ जहाँ इमेज पे आपको वहाँ पर सिंपली अब इस इफेक्ट को वहाँ पर पेस्ट करना है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो आप इस तरह से यहाँ पर सब इफेक्ट को पेस्ट कर लेना, ठीक है गाइस। उसका फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, उसके बाद आपको देख सकते फिर डायरेक्ट यहाँ आ जाना है, यहाँ से यहाँ पर आ जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करना है, उसके बाद फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना। तो थोड़ा गाइस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं तो आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन आप थोड़ा टाइम देकर एडिट करना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एडिट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, उसके बाद हम फिर आगे आएंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस इफेक्ट को, उसके बाद फिर आपको आगे आना है, यहाँ पर फिर हमारा एक लास्ट इफेक्ट बच जाएगा, इस इमेज में इस इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे। तो गाइस इतना इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना होगा कि फिर से बैक आ जाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको चल जाना है अपने सेक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट पे और यहाँ से दो लेयर को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर देना है। उसके बाद आपको फिर से सिंपली बैक आना है और यहाँ से बीटमार्क प्रोजेक्ट पे जाना है और यहाँ से क्या करना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली पूरा एंड तक आ जाना है, फिर यहाँ से टू लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ तक इसको पूरा एंड तक ले आना है। तो गाइस इतना करने के बाद जो आपको पूरा एडिटिंग जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको जाना है ऐसे शेयर वाला आइकन पे और यहाँ से क्वालिटी को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताने कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।